जैसा देश वैसा भेष। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, कल का सीन ऐसा था, अगर आपने व्लॉग देखा होगा और व्लॉग में अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको बता देता हूं। कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि मतलब सरकार से जो वार्ता हो रही है ना, और बीच में जो कोई नेता है जो पहले कभी बाबू हुआ करते थे, वो खेल थोड़ा सा ख़राब कर रहे हैं। इसी वजह से जो कल है, जितने भी वक्ता हैं या अपने अध्यक्ष हैं राज सिंह जी, उनको गुस्सा आ रहा था और गुस्सा वाजिब भी है। मतलब मुझे तो ऐसा फील हुआ कि ये जो बात उनको कहते हैं वो गलत तरीके से जो है सीएम साहब को रिप्रेजेंट करते हैं, और सीएम साहब अगर कुछ कहते हैं तो वो गलत तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट भाई बातें कैसे भी कर लो, लेकिन जब निष्कर्ष निकलेगा तो आमने सामने की तो बात होगी। तो आज इस संघर्ष के 30वें दिन पे मैं विजय स्वागत करता हूँ आपका। और आपको पता है जैसा देश वैसा भेष से मतलब ये है, गर्मी अच्छी पड़ रही है 45 डिग्री वाली। तो भाई ये गमछा ले आए आज अपन, क्योंकि धूप बहुत पड़ती है। और अभी बैठते हैं वही अपनी जगह पे और पूरे दिन की पॉजिटिव वाइब्स लेते हैं और आपको बताते हैं। तो सर्वोपरि सभी राष्ट्रगान के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। सावधान होंगे, सावधान। भारत माता की। जब जब बाबू बोला है, बोल बाबू, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सचिवालय हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान। सचिवालय हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान। वापस लो, वापस लो, वापस लो। वेतन कटौती वापस लो, वापस लो, वापस लो। वेतन भत्ते देने होंगे, देने होंगे, देने होंगे। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा। उस आंधी तूफान की कल्पना करो, मेरी कदकाठी देखो और इस पाइप को देखो। ये पाइप ऊपर उठने लगा, मैंने पाइप को देखा, पाइप ने मुझे देखा। बहुत तेज आंधी, बहुत तेज तूफान। प्रकार ये तो ठाकुर है, ये तो ठाकुर है। सिप्रापत का सिपाही है, ऐसे हार नहीं मानेंगे। पाइप ने मुझे छोड़ दिया, मैंने पाइप को छोड़ दिया। साथियों, ना तो ये पाइप उड़ा, ना मैं उड़ा, लेकिन इतने इतने काम करने के बावजूद भी सरकार के जू तक नहीं रेंग रही है। मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि इन बाबुओं की पीड़ा को आप सुनो। अलवर पीडब्ल्यूडी की ओर से 11,000 रुपए का और पूर्व में भी 31,000 रुपए का सहयोग अलवर की ओर से प्राप्त हुआ था। कुल 42,000 रुपए का आर्थिक सहयोग अलवर जिले की ओर से प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत आभार पीडब्ल्यूडी अलवर का और अलवर के साथियों का। गाड़ी तभी चलती है जब उसमें ईंधन भरा जाता है। चूल्हा जब जलता है, जब एलपीजी गैस सिलेंडर उससे ज्वाइंट किया जाता है। अपनी बॉडी में जब काम आती है, जब इसको खाना खाया जाता है, खाना खाते हैं उसमें। तो मेरी खुराक समझ लो, मेरी गाड़ियों का ईंधन समझ लो, चाहे चूल्हे की वो गैस का सिलेंडर समझ लो, वो मेरे साथी हैं। कुल दिन 37 और यहाँ विराजे में हो गए 30। कल नए महीने में प्रवेश प्रारंभ हो रहा अपना। तो मोदी जी, हमारे एक महीने का वेतन आप बढ़ाओ, हम आपके यहाँ ड्यूटी दी हमने, तो आज वो बिल बना के भेज दो तो पारित हो जाए जल्दी से, ठीक है। फोटो फ्रेम वाली सरकार मैंने क्यों कहा है पता आपको, कि जो भी कर्मचारी आंदोलन करते हैं उनको बुलाते हैं, बोले हमारे साथ फोटो खिंचा लो, वो फोटो है वो मोबाइल में या अपने घर में लगा लो, आपकी मांग पूरी हो जाएगी। क्या तो सरकार कौन सी बड़ी, फोटो फ्रेम वाली सरकार। उन बच्चों से यही कहा कि मेरे जीवन काल में मैंने इस बार का जो आंदोलन देखा है, ऐसा आंदोलन पूर्व में मैंने कभी नहीं देखा। तो शंकर भगवान की, श्रीमान अशोक गहलोत जी साहब से यह आग्रह करता हूं कि श्रीमान आप आग के ढेर में खड़े हो, दिल्ली में आला कमान नहीं, राजस्थान में सचिन पायलट नहीं, और आपके साथ है तो राजस्थान का कर्मचारी। ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती सरकार, मैं आपको दावे से कहता हूं। आज तक 30 साल की मेरी खुद की नौकरी हो गई, कभी एक नोटिस तक नहीं निकाल पाई है सरकार, और मैंने इतने आंदोलन कर लिए अपनी मौजूद राजनीतिक मांगों के लिए। और मैं कहना चाहता हूं इस राजस्थान के
सरकार से कि वो षड्यंत्री वहां षड्यंत्री उसको एक भीषण गर्मी आंधी तूफान बारिश में बैठा हुआ पूरे राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी नजर नहीं आ रहा और हम अपने राज कैंपों में घूम रहे हैं जो पूरी तरह विफल होता दिख रहा हूँ। अभी भी समय है इस मंच के माध्यम से मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को भी कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया गांधीवादी तरीके से आंदोलन तीन दिनों में और मैं चाहता हूँ आप स्वीकृति दे भूख हड़ताल पर बैठना हो मेरा चित्तौड़ जिले के साथी हम सब तैयार हैं या फिर सीएम में घेराव करना हो सचिवालय का घेराव करना हो अब आदेश करें क्योंकि अब हम उस मुकाम पे हैं कि हम क्या से पीछे नहीं हट सकते हैं। पीपल्स आर स्टैंडिंग नॉट डांसिंग वी आर फाइटिंग वी आर द फ्यूचर वी आर लास्ट हम मरना पसंद करेंगे जाना पसंद नहीं करेंगे साथियों। पिछले 15 दिन से आई कैन नॉट टाइट मीट माई वाइफ दे आर वी पिंग्स टुडे मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ आपको वो रो के मुझे कहती है कि तुम घर पे आ जाओ मैंने मना कर दिया साथियों नहीं जाऊंगा साथियों मैं नहीं गया और डर के आगे जीत है और इस डर को निकाल के बाबू अपनी बार जीत के जाएगा वरना हम एक दिन की एक रैली रखेंगे उस रैली में या तो हम लाठी खा के जाएंगे या वापस नहीं जाएंगे बोलो साथियों मंजूर है क्या। अब की बार आन और बान और शान लास्ट लड़ाई है इस लड़ाई को हम जीत के ही वापस जाएंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। जय हिंद जय भारत। पुणे 31,000 रुपए कुल 63,000 रुपए का सहयोग इस महापड़ाव के लिए दौसा जिले की ओर से मिला है। दौसा जिले के समस्त साथियों को हार्दिक हार्दिक आभार। इस आपके महापड़ाव की पल पल रिपोर्टिंग हो रही है उसके पश्चात अगर 30 दिन बाद सरकार निर्णय लेने में देरी कर रही है इसका मतलब ये है इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सरकार में बैठे हुए कुछ कारिंदे जिनके दम पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये समझते हैं कि मैं एक बार पुनः रिपीट हो जाऊंगा वो अपनी कलाकारी कर रहे हैं। मैं इस मंच से उन कारिंदों को सीधा सीधा संदेश देना चाह रहा हूं कि और 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन जितनी कलाकारी करनी है कर ले। जिस दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये सोच लिया कि ऐसा कैसे है कि इतने दिन से ये महापड़ाव चल रहा है और अभी तक खत्म नहीं हुआ तो आपकी कारिंदगी खत्म हो जाएगी और बाबू की ग्रेड पे विलोपित के आदेश जारी हो जाएंगे। संगठन ने आह्वान कर ही दिया कि गांधीवादी तरीका हो गया। मेरे जैसे जो युवा साथी थे ना वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब संगठन से ये आह्वान हो कि गांधीवादी तरीका छोड़ो और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव बन जाओ। और मैं ये कह रहा हूँ ये संगठन जो भी निर्देश देगा खून के कतरे कतरे यहाँ से बहा देंगे। जैसल में जाते हैं दो साथी खड़े पाली में जाते हैं दो साथी खड़े नाकौर में जाते हैं दो साथी खड़े। इसलिए सरकार ने सोचा कि अब करे तो क्या करे आखिर ऑफिस में घुस गई है सरकार साथियों और आपकी फाइल 100% देख ली है साथियों सरकार ने और 1-2 दिन के अंदर आपका डिसीजन होने वाला है साथियों इसमें कोई कोताही नहीं है और जिस प्रकार अपन यहां बैठे हैं उस प्रकार ही अपना निर्णय होकर रहेगा। रोज फिर आना पड़ गया बाबू भाइयों का मारे रंग चढ़ गया और राज सिंह जी के आह्वान ते सारे बाबू लड़के जी और जानते सारे बाबू लड़के जी और जानते मारी मांग महासंघ अड़ गया बाबू भाइयों का मारे रंग चढ़ गया। ना अपने को मालूम है कि ये वो सरकार है जिससे हमको मिलने की 100% उम्मीद है। अरे लाले जी जान यहाँ तो सभी दिल जले हैं दीवाने हैं मस्ताने हैं परवाने हैं क्या कोई बाबू की
परिवार की कहानी नहीं होती, सबकी होती है। ये बाबू शिप्रा पद पे आया है, ये आदेश लेकर ही जाएगा और उसके बाद गहलोत जी आपको कहेगा, गहलोत जी लो फिर से जी लो एक और जिंदगी। और खोची खेलने में मजा है, वास्तव में मजा है, आप भी खेलना सीख लो। मैं वही आदमी हूँ जिसने कहा था प्रिंसिपल को प्रिंसिपल की स्पेलिंग नहीं आती और लाख रुपए तनख्वाह उठा रहा है। ऐसा मेरे बाबू भाइयों ने वीडियो वायरल करा, मेरी बुआ जी पियो रही, रिश्ते तोड़वाने की बात आ गई, भैया तेरा छोरा कह क्या रहा है, इसको चुप करवा ले। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, मास्टरों की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि गर्दिशों में जाते हैं तो बादलों की बात होती है। 3600 ग्रेड पे जा रहे हैं तो उनकी बात करूंगा जिनको 3600 ग्रेड पे मिलती है। और वाजिब बात है, अभी 2 तारीख को पीओ साहब की छोरी की शादी थी, मैं गया, हालांकि उससे पहले मेरा वीडियो वायरल हो चुका था मास्टरों पे अच्छे अच्छे सम्मान पूर्वक टिप्पणी के। अच्छा मैंने कुछ गलत कहा नहीं था, 14 कार्मिकों ने मुझे घेर लिया, जो दो मैडमों की बात कर रहा था ना मैं राकेश जी, वो साइड में जाके यूं हो गई थी, मोटा मुंह आदत है, कोई बात नहीं, 14 ने घेर लिया मेरे को, मैं देखा आप तो मेरी लंका डूबेगी। भाई साहब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आप देखो बाबू की सम्मान का वो, देखो आप हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि आपने कुछ गलत नहीं कहा। बाबू जी बस आज 4 तारीख हो गई, तनखा 1 को आ जाती थी, वो कहा है। मैं बोला तनखा नहीं बनेगी, ये पर्चा ले, मैं बागेश्वर धाम का भक्त हूँ और मैं पर्चे बनाता हूँ, पर्चे लिख कर गया था 17 तारीख को कि तनखा अगले महीने नहीं बनेगी। 1008 श्री नेगी जी महाराज पधारे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा जो राहुल गांधी जी की यात्रा निकली थी उसमें ये लगातार उनके साथ थे। श्रीमान राधे राधे। सबसे पहले तो इन्होंने मेरा जयकारा लगा के मुझे लगता है कि मेरी आत्मा को आहत किया है, क्योंकि जयकारा तो श्री खाटू नरेश का लगना चाहिए, श्री बालाजी महाराज का लगना चाहिए। और इस 45 डिग्री टेम्परेचर में अगर हमारी माता बहनें और हमारे नौजवान प्यारे साथी बैठे हैं तो मुझे लगता है कि ये भी हनुमान जी से और माँ राधा से कम नहीं है। आपके अंदर वो ताकत है जो सरकार रिपीट भी करवा सकती है और सरकार को घर भी बेच सकती है। माननीय मुख्यमंत्री समझते होंगे तो मुझे लगता है कि आपके साथ न्याय करेंगे, क्योंकि आपकी मांग जायज है, जो अशोक गहलोत जी ने दिया था वही आप दोबारा मांग रहे हैं। मैं आपकी इस मांग का समर्थन करता हूं, कोई राजनेता नहीं हूं, राजनेता लोगों से तो आजकल हमारे संपर्क होते ही हैं, क्योंकि आजकल ये बाबाओं का ट्रेड चल गया राजनीति में, इसलिए हर व्यक्ति को हमारे पास आना पड़ता है। तो मेरा काम है आपकी बात पहुंचाने का। मैं परम साधुवाद देता हूं उन माता और बहनों को जो इस धूप के अंदर बैठी है, और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो व्यक्ति संगठित रहता है उसको वो मुकाम अवश्य मिलता है जिस मुकाम के लिए वो ईश्वर को साक्षी मानकर बैठते हैं। नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप सब कर्मचारी हो समझ जाओगे कि बाबा नेता भी है ना। इसलिए आप सब लोगों का मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला, ये आपकी मांगों का जो पर्चा है ये मैं भी लेके जा रहा हूं। आप लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद समर्थन और इतनी मोहब्बत मेरे प्रति दिखाई उसके लिए मैं सर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। अरे जब जब बापू बोला है बोल बापू हल्ला बोल, बोल बापू हल्ला बोल, हम हमारा हक मांगते, अरे हम हमारा हक मांगते,